हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसा आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज है जोधपुर के अंदर सेकंड डे एंड आज बहुत ज़्यादा चिल करने वाले हैं, जैसा कि आपने पीछे वाले ब्लॉग में देखा रहेगा। और मेरी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी जस्ट हम उठे हैं और टाइम हुआ है 7:46। अभी चाय वगैरह पियेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट कौन सा फंक्शन है, उसके हिसाब से रेडी हो जाएंगे। एंड गाइस, उठते ही बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मतलब जो वो विंडो दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा शानदार व्यू है। वहाँ से जो सनलाइट है वो भी काफ़ी अच्छे से आ रही है वहाँ से। गाइस, अभी मेरी नींद खुल चुकी है और नींद खुलने के बाद मुझे चाहिए चाय। मुझे लगता है मेरी चाय मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। मैं बनाने वाला हूँ अभी चाय, और चाय का सेटअप ऐसा है जैसा कि हमने कल ट्राई किया था, बट आज मुझे पता है क्या क्या कैसे क्या डालना है। सो गाइस, अभी सब लोग लगभग उठ चुके हैं और चाय पी रहे हैं। मैंने बनाई है मेरी खुद की चाय, तो चाय काफ़ी अच्छी बना लेता हूँ यार मैं, काफ़ी अच्छी चाय बनी है। रेडी वगैरह होंगे फिर जाएंगे, शायद तक फर्स्ट हल्दी का फंक्शन है वो अटेंड करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होके। क्या शानदार व्यू है और सनलाइट काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर। हम हो चुके हैं यहाँ पर रेडी, सब पीले पीले दिखेंगे आपको। वो हल्दी का, इसके लिए सबने येलो ही पहना है और मैंने भी कुछ ऐसा पहना है सेटअप, अच्छा दिख रहा है। राइट नाउ दिखा, बता देना कमेंट करके कैसा लग रहा हूँ। नीचे जूते पहने अभी चेंज करने वाला हूँ मैं वापस जाके, मोजड़ी पहनने वाला हूँ जो कल के ब्लॉग में थी ना, वो मोजड़ी आज पहनने वाला हूँ इसके ऊपर। तन्नू रेडी हो चुका है। आ मेरी जान, आ मेरी जान। तू रेडी नहीं रही हो? चलो भैया, हम भी जाने वाले हैं अभी हल्दी फंक्शन के लिए। गाइस, अभी हम सब लोग रेडी है और हम निकल रहे हैं वहाँ पे, जो दूसरा जो सेकंड रिजल्ट है वहाँ पे जाने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर लिफ्ट। हम निकल चुके हैं नीचे जाने के लिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट रिजॉर्ट के अंदर, और जो हमारा जेंट्स का जो रिजॉर्ट है वो वाला, ये बैक साइड का जो बाहर का व्यू है उसका कुछ ऐसा है। ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। अभी यहाँ पे चल रहा फोटो सेशन गाइस, तो फोटो सेशन इज कंप्लीट एंड राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट रिजॉर्ट के अंदर। तो गाइस, अभी चल रहा हमारा खाना, नाश्ता चल रहा है गाइस। गाइज, यहाँ पे फोटो सेशन इतना चल रहा है कि बस पूछो मत आप। चौहान फैमिली मेंबर के इंस्टा पे अभी बस पोस्ट पे पोस्ट आने वाले हैं। यहाँ पे चल रहा फोटो सेशन, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, और एक एक आदमी 10 लोगों के साथ। फोटो सेशन खत्म होने के बाद शायद तक हल्दी की जो रस्में होती है वो शुरू होंगी, तो मैं सीधा हल्दी के फंक्शन के अंदर मिलता हूँ आपसे। गुनगुनाए गाना रे, गुनगुनाए 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 गुनगुनाए गाना रे।
जो ये टोकरे ला हमको दे दे हल्का हो जा रे तू ठोकरे जो तेरी दे अपने नागों से नोच ले वो दर्द सारे जलते चूल्हे में तू ठोकरे जिंदगी के दर्शन में तो घोटा ज्यादा है रंग में कभी देंगे खुशी का पिलारा
लड्डू मेरी मुंह हाल ले जाओ अमराने वाले जी मारे चिड़े मुंह मन हाले ले जाओ बादल कठे वाले दे वहाँ पे जीजू वगैरह सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारा खाना चल रहा है और खाना खाने के बाद शायद तक कोई फंक्शंस नहीं है तो हम जो हमारा सेकंड रिजोर्ट है जेंट्स का वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और जो शाम को जो फंक्शन रहेगा वो अटेंड करेंगे। तो शायद तक अब जो ब्लॉग है वो शाम के टाइम में बनेगा, तो मैं मिलता हूँ आपको शाम के किसी एक अच्छे से फंक्शन के अंदर। ओके गाइस, राइट नाउ अभी हम आ चुके हैं होटल्स में और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नाइट के जो अभी फंक्शन है ना बंदोली उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं इधर और मैंने पहना है कुछ ऐसा जो वाइड एंगल है वो नाइट के अंदर थोड़ा चलते हैं और सीधा फंक्शन के अंदर मिलते हैं आपसे। गाइज राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं हमारे जो फर्स्ट जो रिजोर्ट था वहां पे और यहां का एंट्रेंस काफ़ी अच्छा बनाया गया है और आज जो ब्लॉगिंग है काफ़ी शानदार होने वाली क्योंकि जो डेकोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा किया है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी है और जो मेन फंक्शन है बंदोली वो भी आज ही है। तो आज के इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा आज आपको देखने को मिलेगा, इस ब्लॉग को एंडिंग तक देखिएगा और हम मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और एंजॉइंग वीडियो के साथ। तो चलो चलते हैं। ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ का, ये है एंट्रेंस, इधर ये यहाँ का एंट्रेंस है। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। एंट्रेंस और यहाँ पे हमारे पिंटू भैया इज रेडी फॉर मायरा। हमारे जो पिंटू भैया है वो मायरा लेके आ गए हमारे यहाँ पे भीम राजा के लिए। और ये है लॉन एरिया जहाँ पे पूरा डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी शानदार डेकोरेशन किया है यहाँ पे। वहाँ तक है पूरा वो एंट्रेंस, वो दूल्हे राजा खड़े हैं वहाँ पे एंट्रेंस के पास ही। और ये यहाँ पे कुछ सेटअप है ऐसा काफ़ी शानदार डेकोरेशन वगैरह सारे के सारे स्टॉल्स वगैरह काफ़ी शानदार लगाए हैं यहाँ पे। ये काफ़ी शानदार लग रहा है बीच में। ये वहाँ पे जो स्टेज है वहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे ये स्टेज है। आज अभी हम खाने वाले हैं आइसक्रीम
और सूप हमने पी लिया है, अभी आइसक्रीम खाएंगे और खाना तो अभी पता नहीं, बट अभी चटर पटर खा रहे हैं जो भी दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं सबके, खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी जो तो आइसक्रीम खाते हैं। आपके मुंह में पानी मत लेके आना, ज़्यादा टेस्टी नहीं है, थोड़ा टेस्ट कम है इसका, जोरदार है। पंकज सिंह बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है इसका, कैसा है टेस्ट? बहुत ही चौका है। ढाई बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हमारे जो सेकंड रिजॉर्ट है वो जेंट्स का, वहाँ पे जाने वाले हैं। अभी ढाई बजे हमने खाना खाया है और अभी लगभग जो जो हमारा एक तारीख का जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं रूम पे। और आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं क्योंकि अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है कि जो आगे कंटिन्यू करूँ मैं ब्लॉग को, और आज का जो ब्लॉग है वो यही पेंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक।